हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर ने किया बॉलीवुड में ऐलाने जंग, कहा मैं यहां दोस्त बनाने नहीं आया। टीवी प्रीमियर के लिए री एडिट होगी इमरान खान की फिल्म डेली बेली। फिल्म प्रमोशन के चक्कर में बुरी फंसी एक्ट्रेस माही गिल। रणबीर की मम्मी नीतू सिंह क्यों बढ़ा रही है नरगिस पखरी के साथ नजदीकियां। करीना कपूर क्यों बनवा रही है करोड़ों रुपए खर्च करके 130 न्यू ड्रेसेस। मौसम के रिलीज के बाद शाहिद कपूर करेंगे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कैंडिड कन्फेशन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर से। क्या रणबीर खुद को मानने लगे हैं रॉकस्टार? क्या वो बन गए हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टार? क्यों दे रहे हैं रणबीर कपूर पूरी इंडस्ट्री को खुला चैलेंज? क्या है रणबीर का ऐलाने जंग, आप खुद ही देखिए। मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूँ। बॉलीवुड का ये रॉकस्टार अब मांग रहा है अपना हक। इस गाने में रणबीर जिस पैशन से अपने हक की वकालत कर रहे हैं, ठीक उसी तरह रणबीर कपूर ने ऐलान कर दिया है कि वो बॉलीवुड में दोस्त बनाने के लिए नहीं आए हैं। मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। रॉकस्टार जिस तेजी से पब्लिक में पॉपुलर होती जा रही है, रणबीर का कॉन्फिडेंस भी उसी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिए हैं अपने इरादे कि वो दोस्ती की सीढ़ी पकड़कर बॉलीवुड में आगे बढ़ने का शॉर्टकट अपनाने के लिए बॉलीवुड नहीं आए हैं। मैं कोई आइकॉन बनना नहीं चाहता, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। और यही चाहता हूं कि लोग मेरा काम पसंद करें, मेरी एक्टिंग पसंद करें, मेरी फिल्में पसंद करें, मेरे फिल्म सुपर हिट हो, एंटरटेनिंग हो, एंगेजिंग हो। दोस्ती की डेफिनेशन रणबीर की औरों से एकदम डिफरेंट है। फ्रेंडशिप वो होती है जिसके इर्द गिर्द कोई एजेंडा ना होता, नहीं होता कोई मोटिव, कोई यू नो एक्सटीरियर मोटिव नहीं होता। जो मेरे दोस्त हैं वो ज़्यादातर फिल्मों से जुड़े नहीं हैं, वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। एंड आई थिंक दे विल ऑलवेज बी योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड योर बेस्ट फ्रेंड्स। और बॉलीवुड में उनके सिर्फ दो ही दोस्त हैं। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं, एक तो इम्तियाज अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी जिसके साथ मैंने वेकअप सेट बनाई थी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। रणबीर की दोस्तों की लिस्ट में से कटरीना कैफ का नाम ठीक उसी तरह से गायब हो चुका है जिस तरह से एक वक्त में दीपिका पादुकोण का हुआ था, और उसके पीछे रणबीर ने एक सॉलिड रीजन भी दिया है। ऑफ कोर्स यू नो हम फिल्म पे काम करते तो हर चार महीने हमारी दुनिया अलग हो जाती है। हम एक फिल्म पे काम करते हैं, वो 100 लोग हमारी फैमिली बन जाती है, फिर हम दूसरे फिल्म पे जाते हैं, तो हम जिप्सी जैसे बन गए, यू नो हम एक ट्रूप से दूसरे ट्रूप, देन यू नो इट कीप्स चेंजिंग। यानी सलमान खान को अब कटरीना कैफ के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, क्योंकि जनवरी के बाद रणबीर की लाइफ में फिर से दीपिका पादुकोण की एंट्री होने वाली है। आप एक और फिल्म करें आयान के साथ जिसमें दीपिका ही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वेल ये फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी, दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म, और फिल्म जनवरी में शुरू होगी। रणबीर को समझ में आ चुका है कि बॉलीवुड में आगे बढ़ना है तो दोस्ती वोस्ती छोड़कर रॉक स्टार बनना पड़ेगा और छीन के लेना होगा साडा हक। टीम रास्कल्स और कंगना रनौत के बीच किस बात को लेकर फाइट हुई, इस पर हर किसी की अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जूम ने पता लगा ली है कि इस लड़ाई की असली वजह क्या है। चलिए आपको हम दिखाते हैं आखिर क्या हुआ कंगना और टीम रास्कल्स के बीच। कंगना रनौत के रिलेशन जब संजय और अजय से बिगड़े तो अलग अलग थ्योरी सामने आई। किसी ने कहा इसकी वजह है कंगनाज लाउड माउथ। आई एम माइसेल्फ स्टार इनफ टू कैरी अ फिल्म ऑन माय ओन, आई फॉलोड माय ओन डेस्टिनी यू नो। तो किसी ने कहा कंगना वाज गेटिंग एक्स्ट्रा क्लोज टू संजय एंड अजय जो उनकी वाइफ्स को पसंद नहीं आया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कंगना ने सलमान से अजय और संजय की बुराई की थी इसीलिए। और अब एक नई थ्योरी सामने आई है, रूमर्स आर कि इस ब्रोकन रिलेशनशिप की वजह एक नहीं बल्कि दो हैं,
सोर्सेज की अगर माने तो पहले तो कंगना ने अजय और संजय को अनॉय किया विद हर स्टारी टैंट्रम्स। इट इज रूमर्ड दैट रास्कल्स के सेट पर कंगना यूज्ड टू मेक अजय एंड संजय वेट फॉर लॉन्ग आवर्स, जो ऑब्वियसली उन्हें पसंद नहीं आया सिंस दे आर वे बिगर एंड सीनियर स्टार्स देन कंगना। लेकिन कंगना अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। बट सोर्सेज का कहना है दैट पानी सर से ऊपर तब गुजरा जब कंगना स्टार्टेड लीकिंग द स्टोरीज ऑफ अजय एंड संजय इन प्रेस टू हर पेट जर्नलिस्ट्स। दरअसल कंगना चाहती थी कि वो और उनकी फिल्म रास्कल्स हमेशा न्यूज में बनी रहे, इसीलिए वो अपने एक नेट फ्रेंड को फिल्म के अंदर और फिल्म के सेट से कई स्टोरीज पास करने लगी जिसमें संजय और अजय देवगन का नाम भी होता था। बस यही वजह है जिसकी वजह से कंगना को कर दिया सबने साइडलाइन। ये दूरियां कितनी बढ़ गई है इसका अंदाजा फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर ही लग गया था, जहां नहीं आई थी कंगना। फिल्म यूनिट ने मान लिया था कि यस देयर इज सम इशू विद कंगना। वैसे कंगना अगर ये बात सच है तो दिस इज अ रियली बैड हैबिट। माही गिल को फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए उन्होंने फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए अब वो काफी परेशान हैं। क्या किया माही ने आप खुद ही देखिए। इंटरनेट पर कुछ दिन पहले लीक हुए साहिब बीवी और गैंगस्टर के हॉट सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन रूमर हैज इट कि रिसेंटली इंटरनेट पर जो इंटीमेट सीन्स लीक हुए थे वो लीड एक्टर माही ने ही करवाए थे ताकि उनकी फिल्म को मिल सके काफी पॉपुलैरिटी। वैसे जब भी नेट पर इंटीमेट सीन्स लीक होते हैं बी टाउन में इस तरह की रूमर्स कॉमन हो ही जाती है। इसीलिए जब हमने उन्हीं से पूछा तो हर आंसर वाज माही गिल वाज अनअवेलेबल फॉर कमेंट। बट दिस टाइम द रूमर बाजार इज अ लिटिल मोर स्पाइस्ड अप देन दैट। रूमर इज कि पहले तो माही ने रणदीप हुड्डा के साथ उनके इंटीमेट सीन्स खुद नेट पर लीक करवाए थिंकिंग दैट दिस विल क्रिएट अ मीडिया फ्रेंजी, जो कि हुआ नहीं। इंस्टेड सुनने में आया है दैट माही के फ्रेंड्स ने उन्हें कॉल करके कहा दैट शी इज लुकिंग स्लीजी इन दिस सीन्स। फिर क्या था, माही कर गई पैनिक एंड शी रिक्वेस्टेड द पर्सन टू रिमूव देम फ्रॉम द इंटरनेट। आवर सोर्सेज ओवरहर्ड दैट द पर्सन टॉकिंग टू द फ्रेंड सेड कि इंटरनेट से हटवाने से अब क्या फायदा जब मूवी में वो सीन्स हैं ही। बेचारी माही अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गई। खबरों की माने तो माही अब उन सीन्स को लेकर काफी टेंशन में भी है। Now how far these rumors are true, इसका आंसर तो सिर्फ माही ही दे सकती हैं। रणबीर कपूर की मम्मी की नजर एक बार फिर अपने बेटे की कोस्टार पर है। खबर है कि नीतू सिंह आजकल नरगिस के साथ काफी वक्त बिता रही है। आखिर क्या है नीतू सिंह का इरादा, चलिए हम बताते हैं। रणबीर कपूर की मम्मी नीतू सिंह ने एक बार फिर बढ़ा ली है अपने बेटे की कोस्टार से दोस्ती। मम्मी यानी नीतू कपूर इज जेलिंग वेरी वेल दीज डेज विद रणबीर्स लेटेस्ट फिल्म रॉक स्टार्स लीड हीरोइन नरगिस फाखरी। जी हाँ, नीतू एंड नरगिस हैव बिकम क्लोज बडीज। यहाँ तक कि नरगिस हफ्ते में तीन बार नीतू सिंह के साथ जिम करती हैं। दोनों ब्यूटीफुल लेडीज लव वर्किंग आउट विद ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो शॉप एंड गो फॉर कॉफी टुगेदर। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतू अपने बेटे की कोस्टार के साथ टाइम बिता रही है। नीतू कटरीना कैफ को भी कई बार घर पर चाय पे बुला चुकी हैं, तो प्रियंका चोपड़ा के साथ तो उन्होंने पंजाबी कनेक्शन ही बना लिया था और प्रियंका को घर पर कई बार डिनर पर बुला चुकी हैं वो। लेकिन नीतू सिंह की बॉन्डिंग अभी भी रणबीर कपूर के पहले प्यार दीपिका से नहीं हो पाई थी। खबर तो यहाँ तक आई थी कि नीतू और ऋषि कपूर दोनों ही दीपिका को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हुआ है नीतू सिंह अपने बेटे की हर हीरोइन से दोस्ती कर लेती हैं। लगता है रणबीर ने अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढने का काम मम्मी को ही सौंप दिया है, जिसे नीतू चाय कॉफी या डिनर पार्टीज के बहाने करती रहती है। बॉलीवुड में बन गई है टॉम एंड जेरी की जोड़ी। इंडस्ट्री के एक एक्टर और एक एक्ट्रेस के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि वो बन गए हैं टॉम एंड जेरी। कौन सी जोड़ी है ये आप ही देखिए। शाहिद एंड बिपाशा आर द न्यू फ्रेंड्स इन टाउन। सुना है दोनों के बीच की दोस्ती काफी गहरी है। खबर है कि दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि दोनों ने दे दिया है एक दूसरे को नाम। शाहिद बिप्स को टॉम और बिप्स शाहिद को जेरी कहकर बुलाती हैं। वेल यही नहीं, इन दोनों के करीबी लोगों का कहना है कि दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हैं। शाहिद के फिल्म के प्रीमियर पर भी बिप्स बिना आए नहीं रह पाई थी। खुद सुनिए प्रीमियर पर आई बिपाशा शाहिद की शान में क्या कह रही थी। I think Shahid's done really, really well. आप ऐसी फिल्म में काम करना चाहेंगे? ऐसी फिल्म में जी जरूर करना चाहूंगी, क्यों नहीं।
वैसे जब से बिब्स का ब्रेकअप हुआ है वो नए नए हीरोज के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ा रही है। पहले रॉकस्टार का प्रोमो देखकर रणबीर की तारीफ करने लगी तो कभी शाहिद कपूर के साथ काम करने की बात कर रही है। वैसे हम आपको याद दिला दें कि बिब्स दम मारो दम फेम राणा दुगुबाटी के साथ भी काफी देखी जा रही है, लेकिन इससे बिब्स क्या चाहती है इसकी परवाह किए बिना हमारे शाहिद एक बार फिर विद्या से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। एक टैबलॉइड की माने तो विद्या और शाहिद आजकल फिर क्लोज आ गए हैं। दोनों मोबाइल और SMS पर खूब बातें कर रहे हैं। जो आपकी किस्मत में है वो होना ही है, वो आपको मिलना ही है। शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म मौसम रिलीज हो चुकी है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आज शाहिद करने जा रहे हैं कैंडिड कन्फेशंस। वॉच इट। हाय एंड वेलकम शाहिद। थैंक यू। सो मौसम took a long time to complete. Yes. Now that we are here, yes. You know, are you satisfied with what you see? Very, I'm very happy and very excited and quite proud of the fact that we've been able to complete a film which was as demanding and taxing as mm-hmm. Mausam. The fact that I got to do a film with my father as a son, he's directing for the first time and very proud that he chose me to play mm-hmm. the part. So did your father have other choices for the lead role or was it... You think he could think of anybody else except me? You didn't let him. Not at all. Okay, we believe that Pankajji was much harder on you than Sonam, is that true? Well, I wouldn't say that he was harder on me than Sonam. I think he could take me a little more for granted. Which I enjoyed because he wanted to push me as an actor, which was the whole idea of doing Mausam. And I had always told him right from the beginning that, you know, I'm going to come into this film like I don't know anything. What does he think is your best work to date? Other Mausam. Than Mausam. Other than Mausam. I don't know. He really liked me in Jab We Met. And I think he obviously liked me in Kameene also, but he said mm-hmm. that Jab We Met was a tougher part to play because there was, you know, it was more difficult because there was not much to say and not much to do. To play a character in a film like that, he felt was a lot more challenging, and he felt that it was, it was very courageous of me to take it up mm-hmm. as a role. Apparently, when Sonam and you were working together, she broke the ice by talking about fashion. Is that true? She didn't break the ice. Do you share fashion tips? I broke the ice, but yes, we. You broke the ice? I learned a lot from her about fashion. I think I still need to educate myself in that area a lot more, and I'm sure Sonam will help me understand fashion a lot more. Was she a fashion police on the sets? Like, what's right, what's not? She can't help being that. It comes to her naturally. So I think she was trying very hard not to say something, but kabhi-kabhi uske muh se nikal jata tha. But I think she also knows about it a lot. She's somebody who understands fashion very, very well, and she's very passionate about it, and that's cool. The movie has gone through its own share of highs and lows because of the controversies, whatever else. So how did you... Which film doesn't go through controversies these days? I think the only films that don't go through controversies these days are the ones that people don't want to see. So you had to prepare a lot for the role because spanning over 10 years, so many years. Yes, so at various levels. Have you like worked the hardest on this film as far as your characterization yes. is concerned? Yes, in every way. Both as an actor and as a person, this is the hardest that I've ever worked on a film. This is the most that I've ever given to a film, definitely. How do you react when big like superstars like a Salman Khan would say the next best thing about Bollywood is people like, you know, Imran and Ranbir? Well, he's right. They are very, very good and they are the future of the industry, and I'm sure they're going to do very well. It was lovely talking to you, Shahid. Thanks so much. Pleasure. Thank you. Kareena Kapoor stitch karwa rahi hai apne liye 130 new dresses. Ye dresses design kar rahe hai famous designer Manish Malhotra. Aakhir kyun padi Kareena ko itne sari nayi dresses ki zarurat? Aap khud hi dekh lijiye. मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में करीना के नखरे किसी हीरोइन से कम नहीं होंगे। करीना के लिए स्पेशली डिजाइन हो रही है 130 खूबसूरत ड्रेसेस, जिसे डिजाइन कर रहे हैं उनके फेवरेट डिजाइनर मनीष मल्होत्रा। खबर है कि फिल्म हीरोइन की शूटिंग के लिए मधुर बनवा रहे हैं 130 न्यू और स्टाइलिश ड्रेसेस, जिन्हें डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया है डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पर। इन सारी ड्रेसेस को बनाने का कॉस्ट पड़ेगा करीब 1.2 करोड़ रुपीज। दरअसल फिल्म में करीना बन रही है एक डीवा, इसलिए उनके कॉस्ट्यूम्स पर मधुर दे रहे हैं खास अटेंशन। इस फिल्म के हर सीन में करीना कम से कम 4 न्यू ड्रेसेस में नजर आएंगी। वैसे हम आपको बता दें कि करीना इससे पहले भी कम वक्त में 80 लाख रुपए के कपड़े पहन चुकी हैं। साथ ही उन्होंने इस फिल्म में 60 पैर सैंडल भी पहनी थी। सोर्सेज से पता चला है कि ऐश्वर्या ने केवल 9 दिनों की शूटिंग में 5 लाख की ड्रेसेस पहनी थी, लेकिन वो ड्रेसेस भी यूजलेस हो गयी क्योंकि करीना और ऐश की फिटिंग काफी डिफरेंट है। खुद मनीष ने ये एक्सप्रेस किया है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए कभी इतने आउटफिट्स नहीं बनाए हैं। अब जब केवल कॉस्ट्यूम्स पर मधुर भंडारकर इतना खर्च कर रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि पूरी फिल्म का बजट कितना होगा। प्लान
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे करीना कपूर क्यों बनवा रही है 130 न्यू ड्रेसेस। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा रहा एम्बे वैली इंडिया ब्राइडल वीक 2011 का डे 4। Zoom आपके लिए लाया है एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक के फोर्थ डे की अपडेट्स। स्टार स्टडर इस ब्राइडल वीक के डे 4 पर हमें दिखे हेमा मालिनी, ऐशा देओल, समीरा रेड्डी, जैकी भगनानी, तनुश्री दत्ता और भाग्यश्री भी। जहां हेमा मालिनी और ऐशा देओल बनी शो स्टॉपर्स फॉर नीता लुल्ला, तो वहीं समीरा रेड्डी और जैकी भगनानी ने वॉक किया रैंप फॉर फेमस डिजाइनर्स फाल्गुनी एंड शेन। तनुश्री दत्ता और भाग्यश्री ने रैंप पर तो वॉक नहीं किया, बट दे डिड अटेंड द इवेंट। ऐशा देओल ने पहना एक पिंक एंड सिल्वर शिमरी लहंगा विद अ पिंक दुपट्टा और हेमा मालिनी दिखी एक ऑफ व्हाइट अटायर में विच हैड गोल्ड वर्क ऑन इट। इसे हेमा जी ने टीम अप किया विद अ नेटेड दुपट्टा। नीता लुल्ला की ये कलेक्शन थी अ ब्लेंड ऑफ कंटेम्पररी एंड ट्रेडिशनल अटायर। अपने इस कलेक्शन से इन्होंने शोकेस किया अपना कंटेम्पररी एज वेल एज ट्रेडिशनल स्टाइल। इस बारे में हमने खुद नीता से भी बात की। माय कलेक्शन इज समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ कलर्स, इट हैज अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स दैट आर द कलर्स ऑफ द सीजन। दे आर इनटू डिफरेंट स्टाइल्स, यू हैव द कंटेम्पररी डायमोंटे सोरोस्की वर्क एंड यू हैव द ट्रेडिशनल विंटेज वर्क एज वेल। Therefore, my entire collection for this is completely aimed at the bride-to-be, the bride who knows what she wants to wear, the bride who wants to be elegant, sophisticated, stylish, and yet have a different kind of a statement. ये थी नीता लुल्ला की कलेक्शन। एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक में फाल्गुनी एंड शेन ने भी किया अपना कलेक्शन शोकेस और इनकी शो स्टॉपर बनी समीरा रेड्डी। समीरा ने पहना अ ब्यूटीफुल रेड एंड गोल्डन गाउन और इनके इस अटायर को एक्सेंचुएट किया इस स्टोन एम्बेलिश्ड नेक पीस ने विच वॉज रियली आई कैची। फाल्गुनी एंड शेन के इस अटायर में समीरा लग रही थी काफी प्रिटी। Well, इस ब्राइडल वीक में अपनी डिजाइन्स को शोकेस कर रहे फाल्गुनी और शेन ने हमें बताया अपने कॉन्सेप्ट और कलर सिलेक्शन के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ वाइट्स टू बेजेस टू पिंक्स एंड देन वी हैड ग्रीन्स एंड येलोस एंड इट एंडेड इन द ब्लैक एंड आई जस्ट थिंक दैट दीज आर द कलर्स व्हिच फ्लैटर द इंडियन स्किन अ लॉट। यू नो यू कैन डू सो मच ऑफ ज्वेलरी विद दीज काइंड ऑफ लाइटर शेड्स and mainly now in the wedding it becomes more about the jewelry because that's the more expensive bit of it. Outfit is there but outfit should complement the jewelry. So I just think that the colors were absolutely like you know toned down and stunning for. We do agree Falguni, aapne along with your outfits importance di hai jewelry ko bhi aur wo aapki showstopper Samira Reddy par bhi nazar aaya. Samira ke alawa फाल्गुनी एंड शेन के लिए जैकी भगनानी ने भी किया वॉक और वो भी लग रहे थे काफी हैंडसम इन अ प्रिंटेड शेरवानी। इन सभी स्टार्स के अलावा यहाँ मौजूद थी तनुश्री दत्ता और भाग्यश्री भी एंड बोथ ऑफ देम चोज टू वेयर व्हाइट सूट्स। नो डाउट दोनों लग रही थी काफी प्रिटी इन द ट्रेडिशनल अवतार। तो ये थी एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक की डे 4 की इंटरेस्टिंग अपडेट्स। Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.